तो हमारा सिर्फ यही मुद्दा और मकसद है कि हम लोगों के सामने हमारे जिम्मेदार जाएंगे, डोर टू डोर मुहिम चलाएंगे। जो हमें असल टारगेट है, जो हमारा असल मिशन है, वो तो यहाँ की असेंबली इलेक्शन है, जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिल जाएंगी। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर अवामी फोरम पिछले 3 साल से रियासती जम्मू कश्मीर में एक सरगर्म रोल निभा रहे हैं, और आज कल मुझे पहलगाम में खुशी महसूस हुई है जब वहाँ लोगों ने वालियाना मुझे इस्तकबाल किया है। जब मैंने उनके सामने बात रखी है तो उन्होंने मेरे बात पर आमना सदक न किया। उन्होंने कहा कि जो आपके पास मौक़ है, हम यही मौक़ ढूंढते थे आज तक। मैंने उनको क्लियर कह दिया है, ना मेरे सामने 35 है, ना मेरे सामने 370, ना मेरे सामने और कोई चीज़ है। अगर हमारे सामने चीज़ कोई है तो मुझे यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ सोचना है। अगर हमारे लिए कोई मौक़ है तो मैं सरकार से, सरकार बनने के बाद मैं दिल्ली सरकार की तरफ रुजू करना चाहता हूँ। जो हमारे इस वक्त कैद खानों में हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास कोई ऐसा केस नहीं है, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि आज तक भी हमने कई ऐसे केसेस हल किए हैं। जिस तरह शुपिया हमने वहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे नौजवानों को रिलीज़ किया है, तो जो लग रहा है कि शुपियन के आवाम आज मुझे फख्र से कह रहे हैं कि आप आइए, आप हमारी होम ग्राउंड आपके लिए वक्फ।